We are here in Morena district in Madhya Pradesh on the banks of the river Chambal. The entire area behind me, as far as the eye can see, is the ravines of the river Chambal. This has been caused because of the erosive action of the river and the rivulets. It's beautiful to look at, but the problem is they've been expanding at an alarming rate and literally eating up everything that stands in its way. The exact spot we are standing at right now used to be a village at some point of time. All that remains here now is a temple to the local guardian saint, Baba Devpuri. बेड़ की तो बहुत भीषण समस्या है। इसमें बेड़ में कटाव बढ़ने से जो जमीन में वाटर लेवल है वो नीचे धस गई है। जितने जितने रिवाइन के नज़दीक पहुंचते जाएंगे गांव, उतना ही वाटर लेवल नीचे जाएगी पानी की। दूसरे नंबर पे बेड़ के कारण कई गांव निकलकर जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें बस गई, क्योंकि रास्ते ख़त्म हो गए। जब रास्ते आने जाने के बंद है गए तो लोग कैसे रुकेंगे। जो बेहड़ में पशुओं के लिए चारा वगैरह, जिससे लोग अपनी रोटी रोजी चलाते, चंबल के किनारे कुछ खेती भी होती, वो खेती होना भी बंद हो गया। ये चंबल घाटी में अगर देखें आपके सोपर से लेके भिंड तक, तो करीब करीब 1600-1700 गाँव इससे प्रभावित हैं और 1,05,000 हेक्टेयर जमीन बेहड़ में परिवर्तित हो गई। जिस जमीन में कि सरसों हुआ करती थी, गन्ना होता था, गेहूं होते थे, चना होते थे, बहुत उपजाऊ जमीन जो थी वो धीरे धीरे जाने से लोग भूमिहीन और बेघर होके यहाँ से पलायन करने लगे हैं। दिस हियर इज पिपरी विलेज, फॉर्मली लोकेटेड क्लोज टू द बाबा देवपुरी टेम्पल, अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे। They relocated here to escape the expanding ravines, but that didn't help much. As you can see, the ravines have stretched up to the village peripheries. The only reason they're still here is because this entire area has been treated to prevent further expansion. जे आपने बांध बांध आए और बढ़िया मरम्मत भैये भाई साबित डोर बंदी भैये खेत रुका है बात है। We're standing in Bindwa Chambal village and villagers here have been able to reclaim a part of the ravine lands by building check dams to regulate the flow of rain water and prevent cutting and erosion of the soil. They say that the water table in these farmlands that have been reclaimed is far higher than the wells anywhere around this area. बीहड़ को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले तो जहाँ बीहड़ आगे बढ़ रहे हैं उसे स्टॉप को बंद करना पड़ेगा, डोर बंदी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद नीचे उससे थोड़ी सी बड़ी संरचनाएँ बनानी पड़ेंगी, उसके बाद स्टॉप डैम बनाने पड़ेंगे। अगर ये जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये बीहड़ की समस्या बढ़ती जाएगी, और मेरे अंदाज से तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि पहले डोरबंदी करो, फिर छोटी संरचनाएँ बनाइए और स्टाफ डैम बनाइए, तो उससे सॉयल एवं वाटर कंजर्वेशन का एक बढ़िया काम होगा और बीहड़ भी प्लान होंगे, लोगों की खेती बढ़ेगी और ये बीहड़ की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।